વાપીમાં બીઆઈએ હોલ ખાતે રાજસ્થાની સમાજ દ્વારા પ્રવાસી સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજસ્થાનના સંસદ એવા કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય પ્રધાન કૈલાશ ચૌધરીએ ભાજપની સરકારની ખેડૂત કલ્યાણ યોજનાઓ થકી ખેડૂતોના વિકાસ ગાથા ગાઈ છે. દેશમાં કોલસાની કોઈ કમી નથી અને હાલમાં ચાલતું ખેડૂત આંદોલન રાજકીય ષડયંત્ર હોવાનું જણાવ્યું હતું. દેશમાં કોલસાની કોઈ કમી નથી, વીજળીની કોઈ સમસ્યા નથી. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું લક્ષ્ય દેશના અંતિમ છેડાના વ્યક્તિને સુવિધા પૂરી પાડવાનું છે. કોરોનામાં મોદી સરકારે સમયસર લોકડાઉન લગાડી વિશ્વના અન્ય દેશોની તુલનામાં મૃત્યુદરને કંટ્રોલ કર્યો છે. દેશમાં કોઈ ભૂખ્યો સૂતો નથી અને કોઈ અસુરક્ષિત પણ નથી, એવું વાપીમાં પ્રવાસી સંમેલનમાં આવેલા રાજસ્થાનના કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્ય પ્રધાન કૈલાશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું. રાજસ્થાનના મંત્રી કૈલાશ ચૌધરીએ વધુમાં કિસાન આંદોલન અંગે પોતાની સરકારને બચાવવા જણાવ્યું હતું કે જે કાનૂની બનાવવામાં આવ્યો છે તે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે છે, ખેડૂતોની આઝાદી માટે છે. વર્ષોથી ખેડૂતોની માંગ હતી કે તેઓએ પોતાનો પાક પોતાની મરજીથી અને પોતાના ભાવે વેચવાની આઝાદી મળે, એ અધિકાર બિલ થકી આપવામાં આવ્યો છે. પણ રાજકીય ષડયંત્ર હેઠળ તે આંદોલનનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોના ખભેથી આ બંદૂક ફોડવામાં આવી રહી છે. વધુમાં તેમણે દેશના કિસાનો અંગે કૈલાશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો મોદી સરકાર સાથે છે, એટલે ખેડૂતોના નામ પર કેટલાક રાજકીય રોટલો શેકવા આંદોલન કરી રહ્યા છે. દેશના બધા જ રાજ્યોમાં નહીં પણ ગણતરીના રાજ્યોમાં ચૂંટણી હોય, રાજકીય લાભ ખાટકા તેમજ રાજ્યમાં ખેડૂત આંદોલન ચાલે છે. સરકાર તેમની સાથે વાતચીત કરવા હલક લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ये जो राजस्थानी प्रवासी है उनके मिलना और देश के किसानों से मिलना, जहाँ किसानों की समस्या है तो उसका समाधान हो, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो इसके लिए जो सरकार की योजना है वो धरातल पर उतरे. इस दृष्टि से जैसे कि किसान सम्मान निधि का पैसा है और किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया है, और FPO से किसान जुड़े ताकि आने वाले वक्त में किसान आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से किसानों से संवाद और प्रवासी भाइयों से मिलने का आज का कार्यक्रम है. और लक्ष्य एक ही है कि आने वाले वक्त में किसान जो हमारे देश की रीढ़ है वो किसान आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से भारत सरकार का कृषि मंत्रालय काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा किसानी आगे बढ़े. इस दृष्टि से आज का दौरा हमारे प्रवासी भाइयों से, अपनों से अपनी मुलाकात और किसानों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया. कोयला खत्म हो रहा है देश में, कम हो रहा है, तो उसको लेके सबसे पहले अगर बिजली कटेगी तो किसानों की, तो उसकी व्यवस्था कैसे की? ऐसा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, और मैं बताना चाहूँगा कि आज चाहे विंड से हो चाहे सोलर से हो, आज रेगिस्तान के बाड़मेर के अंदर देखा जाए तो हमारे वहाँ पर विंड हो चाहे सोलर से हो प्लांट लगाए जा रहे हैं, और कोयले की भी पर्याप्त व्यवस्था है. और मैं सोचता हूं कि देश के अंदर आने वाले वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार की न तो किसान के ऊपर कोई आफत आनी है और ना ही आम व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि देश के किसान की अंतिम व्यक्ति को किस तरह से सुविधा मिले, और उस दृष्टि से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं. आपने देखा होगा कोरोना के समय के अंदर भी, जैसे ही कोरोना का स्थिति बनी पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय हुआ, और उसका ये परिणाम हुआ कि दूसरे देशों की जो मृत्यु दर है उसके अनुपात में हिंदुस्तान में बहुत कम रहा. तो इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर मैं सोचता हूँ कि कोई भी न तो असुरक्षित है और ना ही कोई भूखा सो सकता है, क्योंकि खाद्य सामग्री के तौर पर भी आपने देखा होगा कोरोना के अंदर आज लगभग 80 करोड़ किसानों के या आम गरीब व्यक्ति को खाद्य सामग्री दी जा रही है. तो ये सब सूझबूझ और प्रधानमंत्री जी का अपना देश को परिवार मानना होता है. सवाल, सीएए का जो पूरा मामला था उसको बहुत अच्छी तरह सरकार ने हैंडल किया, लेकिन ये जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है देश को, तो उसमें क्यों सफलता नहीं मिल रही? ऐसा है कि जो कानून बने हैं वो देश के और किसान के कल्याण के लिए बने हैं, किसानों को आज़ादी देने वाले ये कानून बने हैं, जिसकी मांग किसान स्वयं बरसों से करता आया है कि मेरी फसल को बेचने का मुझे अधिकार हो, जहां मैं चाहूं वहां पर बेचूं, जिस रेट में मैं चाहूं वो बेचूं, ये इन कानूनों में अधिकार दिया है, जो किसानों की मांग थी. और मैं सोचता हूं कि जो आज पिछले एक साल से जो एजिटेशन किया जा रहा है उसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है और किसानों का कंधा है,
किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो कहीं और राजनीतिक गोली चलाना या निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं पर भी आंदोलन को देखने को नहीं मिलता। जो तथाकथित कुछ क्षेत्र है जहाँ पर किसान के नाम पर सिर्फ चुनाव तक ये राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा चल रहा है, जो प्रायोजक है इस आंदोलन के, उनके तक क्यों नहीं पहुंच पा रही सरकार? ऐसा है कि जो यूनियन के नेता हैं उनके साथ में भारत सरकार ने लगभग, जैसा आपको पता है, 12 दौर की वार्ता हुई है। उनसे हमने ये कहा कि आपकी मांग क्या है, और जो मांग है उसमें आप जैसा कहते हैं कि काला है, काला कानून है, उसमें काला बता दे। काला वो बता नहीं पाए, उनका तो एक ही शब्द है कि कानून वापस लिया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कानून वापसी हल नहीं है, बातचीत से हल निकलता है। और अगर वो कोई उस किसी भी कानून के अंदर ये बातचीत से हल निकलता है तो कानून के अंदर त्रुटि है तो वो बताए, लेकिन वो त्रुटि है नहीं इसलिए बता नहीं पा रहे, इसलिए वो सिर्फ ये की बात करते हैं कि कानून वापस लिया जाए। तो मैं सोचता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र और एक बहुत बड़ी राजनीति है।